looked large on every face. आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है, एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब अम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा।
यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, जलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गायदिनलियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, बेलून नित्यार, भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बनकर के दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर काल में भारत की चेतना को जगाते रहे, भारत को चेतनवंत बनाते रहे। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवरते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो वो शायद ये पहली घटना हुई होगी। और हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया
जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया था, आज देश ने खोज खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। अमृत महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से, हृदय के गहरे गांवों को याद करते हुए, उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया था, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था, मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य, प्रेरणा पाने योग्य है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सब के योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी, जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। और इसलिए, और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे गांव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था, और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था, तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे, तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा, न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी। लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो
शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है। और उसी का परिणाम है हमने क्या कुछ नहीं झेला, कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता आशा निराशा न जाने कितने पड़ाव आए हैं, लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ पा रहा। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अतुट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का कारण लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं अपेक्षाएं उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में हरे के प्रयास में हम जहां तक पहुंच पाए थे पहुंचे थे। और 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया, आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरव गान करने का अवसर मिला था। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया, मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी की आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और उन 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव आज 75 साल के बाद जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूं। देशवासियों,
मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है, एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है। और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतजार किया है, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये अमृत काल का पहली प्रभात हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर के आई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने पिछले दिनों देखा है, एक और ताकत का हमने अनुभव किया है, और वो है भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। यह चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। और ये पुनर्जागरण देखिए, 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स वे भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। यह पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं, जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज
दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, तीन सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति को, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान ही करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए
हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था और यही विरासत है जो समन्यानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं जब संकल्प बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश 40-42 के कालखंड को याद कीजिए, देश उठ खड़ा हुआ था, किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मान चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था, लेकिन संकल्प बड़ा था आजादी,
और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे, हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू रहते। लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50, 55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25, 30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे के शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए, बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा, विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा, और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया। यही तो देश है जिसने इसको करके दिखाया है और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश है जिसने वैक्सीनेशन, दुनिया दुविधा में थी, 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है, हमने तय किया था। देश को खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। खुले में शौच से मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हो, देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर क्षेत्र में पहले से गति बहुत बड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं, अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो, यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता, देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी, कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे। क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे
लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर सात समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। और मैं आशा देखता हूं जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिस मंथन के साथ बनी है, कोटि कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी है और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी है। रसकस हमारी धरती के मिले हैं, हमने जो कौशल्य पर बल दिया है, ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। हमने देखा है कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बंध जाती है। यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। वो हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई ये भेंट सौगात है, हमें गर्व होना चाहिए। मेरे साथियों, आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टीयर टू टीयर थ्री सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग हैं। ये हमारे नौजवान है जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी, अपने सामर्थ्य पे भरोसा करना होगा। दूसरी एक बात जो मैंने कही, तीसरी मेरी प्राण शक्ति की बात है, वो है हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। और जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। हमने देखा है जब हम अपनी चीजों पे गर्व करते हैं, आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा कर रही है, लेकिन जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया आज उससे प्रभावित हो रही है। अब हमारी ताकत देखिए, हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे पास वो विरासत है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, हम लाइफ मिशन की बात करते हैं, तो दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे पास ये सामर्थ्य है। हमारा बड़ा धान, मोटा धान, मिलेट हमारे यहां तो घर घर की चीज रही है। ये हमारी विरासत है। हमारे छोटे किसानों के परिश्रम से छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों में फलने फूलने वाली हमारे धान, आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब हमारी विरासत को आज दुनिया, हम उस पर गर्व करना सीखे। हमारे पास दुनिया को बहुत कुछ देना है। हमारे फैमिली वैल्यूज, विश्व के सामाजिक तनाव की जब चर्चा हो रही है, व्यक्तिगत तनाव की चर्चा होती है तो लोगों को योग दिखता है, सामूहिक तनाव की बात होती है तब भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं बहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, यह हमारी विरासत है। इस विरासत पर हम गर्व कैसे करें? हम तो वो लोग हैं
जो जीव में भी शिव देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं, हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नदी को माँ मानते हैं, हम वो लोग हैं जो कंकर शंकर में, हर कंकर में शंकर देखते हैं। यह हमारा सामर्थ्य है, हर नदी में माँ का रूप देखते हैं। पर्यावरण की इतनी व्यापकता विशालता, ये हमारा गौरव, हम विश्व के सामने जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। भाइयों बहनों, हम वो लोग हैं जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया, हम वो लोग हैं जो दुनिया को कहते हैं एकम सत विप्रहा बदौ वदन्ति। आज जो होलियर देन दाव का जो संकट चल रहा है, तुझसे बड़ा मैं हूं, ये जो तनाव का कारण बना हुआ है, दुनिया को एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति का ज्ञान देने वाली विरासत हमारे पास है, जो कहते हैं सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, ये गौरव हमारा है। हम लोग हैं जो कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कितनी बड़ी सोच है, जो ब्रह्मांड में है वो हर जीव मात्र में है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये कहने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जितने दुनिया का कल्याण देखा है, हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं, जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग जब दुनिया की कामना करते हैं तब कहते हैं सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख की बात, सबके आरोग्य की बात करना, यह हमारी विरासत है। और इसलिए हम बड़ी शान के साथ हमारी इस विरासत का गर्व करना सीखें। ये प्राण शक्ति है हमारी जो हमें 25 साल के सपनों पूरा करने के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे देशवासियों, एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता एकजुटता। इतने बड़े देश को, उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। इतने पंथ परंपराएं, ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। घर में भी एकता की नींव तभी रखी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो। अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गूंज सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी हमारी एकता के लिए पहली शर्त। जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे एक ही पैरामीटर हो, एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहें इंडिया फर्स्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, इंडिया फर्स्ट के अनुकूल है, एकता का रास्ता खुल जाएगा। दोस्त, हमें एकता से बांधने का वो मंत्र है, हमें इसको पकड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभावों से, मेरे तेरे के भेदभावों से हम सबकी पुजारी बने। श्रमेव जयते कहते हैं हम, श्रमिक का सम्मान ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं, ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं?
नारी का गौरव, राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पांचवी प्राण शक्ति की बात करता हूं और वो पांचवी प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया है, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने अचीव किया है, कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं। एक, अनुशासित जीवन। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा। ये शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, चाहे पुलिस हो या पीपल हो, शासक हो या प्रशासक हो, ये नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं हो सकता। हर कोई अगर नागरिक के कर्तव्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज महर्षि अरविंदो की जन्म जयंती भी है। मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था, स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज, ये उनका मंत्र है। हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है दोस्त। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत, ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी? और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को
संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्त। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है, मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है, और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों आप लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की। ये संकल्प छोटा नहीं है, मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्ज्वल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। सैल्यूट, सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को, सैल्यूट। मैं आज मेरे छोटे छोटे बालकों को, 5 साल 7 साल की आयु के बालक, उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूं, उनको भी सलाम करना चाहता हूं। जब देश के सामने चेतना जगी, मैंने सैकड़ों परिवारों से सुना है, 5-5, 7 साल के बच्चे घर में कह रहे हैं कि अब हम विदेशी खिलौने से नहीं खेलते। 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे, ये जब संकल्प करता है ना, तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। आज देखिए, पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया, दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब अजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा दोस्त। आज हमारी मेट्रो कोचिज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर में। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे भारत देशवासियों, आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है, ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का ये भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा, हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है, इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई, भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान, आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदि बन जाए, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। एक नया विश्व तैयार हो रहा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए टेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। भारत के लिए तो ये टेकेड जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है, तो ये टेकेड का सामर्थ्य भारत के प्यास है। हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। स्पेस मिशन की बात हो, हमारा डीप ओशन मिशन की बात हो, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये नए क्षेत्र हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बात को न भूलें, और भारत ने सदियों से देखा हुआ है, जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है, और इसलिए
हमारे छोटे किसान उनका सामर्थ्य, हमारे छोटे उद्यमी उनका सामर्थ्य, हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, रेड़ी पटरी वाले लोग, घरों में काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, बस सेवाएं देने वाले लोग, ये समाज का जो सबसे बड़ा तबका है, इसका सामर्थ्यवान होना भारत के सामर्थ्य की गारंटी है। और इसलिए हमारे आर्थिक विकास की ये जो मूलभूत जमीनी ताकत है, उस ताकत को सर्वाधिक बल देने की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पास 75 साल का अनुभव है। हमने 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोए हैं, नए संकल्प भी लिए हैं। लेकिन अमृतकाल के लिए हमारे मानव संसाधन का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, हमारी प्राकृतिक संपदा का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा, आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देंगे। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और ओजस्वी होंगे, और दैदीप्यमान होंगे। और इसलिए आइए साथियों, हम जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़े। मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, तो उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए, हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते, राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते। आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत का विकास। हम कहीं पर भी हो,
हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। हमारे देश के कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा की, नेतृत्व किया है, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए हैं। ये हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते हैं। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। हर राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सर्विस सरकार की सभी इकाइयों के बीच में वो स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस 25 वर्ष का अमृतकाल के लिए जब हम चर्चा करते हैं तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक हैं, मर्यादाएं अनेक हैं, मुसीबतें भी हैं, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आंकते हैं, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करता हूं। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है, हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस मिजाज के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी
आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है, मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है, जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं, तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है, और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं, वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है
कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजे बात की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है चुनौतियां बहुत हैं। अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट हैं तो करोड़ों समाधान भी है और मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ, संकल्प के प्रति समर्पण के साथ, जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। इस सामर्थ्य को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। इस अमृत काल में, जब ये अमृत काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है, हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए, नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए, आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगी। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi addressing the nation.